हे गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक गैजेट का अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि आपका गोप्रो को रिप्लेस कर सकते हैं काइंड ऑफ आपके फ़ोन से। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये छोटा सा गैजेट, इसको परचेस करना पड़ेगा अमेजोन से। ये आप लोगों को जो है 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा अमेजोन से। ये मैंने 719 रुपये में खरीदा था, थोड़ा डिस्काउंट मुझे मिल गया था और इसका रियल जो प्राइस 799 रुपीज़ वहाँ पर दिख रहा था, लेकिन मुझे ये 719 रुपये में मिला है। और इसको सेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को, तो ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। तो अभी इस छोटे से पैकेट के अंदर क्या कुछ मिलता है इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो इसका पहले अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। तो इस छोटे से बॉक्स के अंदर ही सब कुछ कंपोनेंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बॉक्स को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या कुछ मिलता है आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगा एक ट्राइपॉड का माउंट, ये देख सकते हैं ट्राइपॉड के साथ आता है, ये फ़ोन का माउंट है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड देन आपको मिलता है एक छोटा सा गोल जैसा चीज़, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ किस काम में ये आता है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट जो मिलता है, ये हेलमेट के साथ ये लगेगा, अटैच होगा, और उसी के साथ ये एक स्क्रू टाइप का चीज़ आता है जो कि मेटल का है, ये प्लास्टिक का नहीं है, तो ये अच्छी बात है मेटल का यहाँ पे मिला है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो चीज़ मिल रहा है, ये हेलमेट में माउंट होगा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे इसको माउंट करना है। तो आखिर में यहाँ पे इस छोटे से बॉक्स के अंदर 719 रुपये में देखे हमें कुछ ये सब चीज़ें मिलते हैं, और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे इसको असेंबल करना है। तो गाइस, हमारे पास है ये कुछ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको असेंबल करना पड़ेगा वो बताता हूँ। तो ये वाला जो फ़ोन का माउंट है इसको आपको असेंबल करना पड़ेगा। अगर आप पोर्ट्रेट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऐसे होगा, ऐसे यहाँ पे इसको लगा सकते हो। और अगर आप लोग लैंडस्केप में कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे का यहाँ पे देख सकते होल है, यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रू कर दीजिए। और अभी इसको जो हमें माउंट करना है यहाँ पे, यहाँ पे जो आपको इसको माउंट करना है, तो देख सकते इसके अंदर ऐसे घुसेगा ये, और यहाँ पे इसको होल को आप लोग मैच कर लेना, देखिए स्क्रू का जो होल है यहाँ पे। और ये वाला जो लास्ट में मिलता है इसको आपको यहाँ से टाइट कर देना है, और ये हेलमेट में लगेगा, और ये आपके फ़ोन के हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एडजस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मान लो आपको फ़ोन ऐसे लगाना है तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करके यहाँ पे इसके स्क्रू को टाइट कर दीजिए। उसके बाद हमें इसको हेलमेट में लगाना है, लास्ट टाइम हुई है, तो ये हमारा हेलमेट है, ये इस जगह पर ऐसे जाएगा। उसके बाद इसके नीचे जो स्ट्रैप मिलते हैं, स्ट्रैप को आपको खींच के यहाँ पे टाइट करके यहाँ पे क्लिप कर देना पड़ेगा, तो फिर ये जो यहाँ पे अच्छी तरह से लग जाएगा। और इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से करना, और दोनों तरफ को ठीक से टाइट कर लेना, तो फिर ये जो अच्छी तरह से यहाँ पे लग जाएगा। और गाइस, यहाँ पे मैंने इसको शूट करना भूल गया था, तो यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए फिर से शूट कर रहा हूँ। तो आपके फ़ोन से जो रिकॉर्ड करे उस फ़ोन को यहाँ पे आप लोग लगाइए पहले, और उसके बाद इसको एडजस्ट कर लिए मैं जैसे कर रहा हूँ नीचे। एडजस्ट करने के बाद आप लोग ठीक से यहाँ पे टाइट कर लेना, नहीं तो ये जो है नीचे इधर उधर हो जाता है। टाइट करने के बाद आप लोग हेडफोन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक हेडफोन लिया, उसका माइक्रोफोन का यूज़ करो यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे 3.5 mm आप लोग जो लेपल माइक आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। इसको आपको हेलमेट के अंदर कोई अच्छी जगह से लगाना पड़ेगा जहाँ पे एयर नहीं आता होगा, आपके जो हेलमेट के सामने वेंट होता है वहाँ पे मत लगाना, वहाँ पे ज़्यादा एयर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे कुछ साइड में आपको इसको लगाना पड़ेगा ताकि जो है ये आपके ऑडियो को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सके। और इसको आप लोग अपने माउथ के एकदम सामने रखना, और ऐसे आप लोग मैनेज कर सकते हैं हेडफोन से। और इसको आप लोग ऐसे इसको टाई कर लेना किसी भी चीज़ से ताकि ऐसे तार बाहर ना झूलता रहे। तो हमारे हेलमेट में ये फिक्स हो चुका है, अभी चलो बाहर जाकर बाइक को राइड करते हैं और देखते हैं इससे कैसा व्यू मिल रहा है। और रिकॉर्ड जो करूँगा वो मैं रेडमी के नोट 9 से 8 MP के वाइड एंगल से करूँगा कैमरा से, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कैसे यहाँ पे क्वालिटी मिल सकती है, थोड़ा क्वालिटी खराब होगा लेकिन आपके फ़ोन का वाइड एंगल कैमरा जितना अच्छा होगा उतना अच्छा यहाँ पे व्यू जो है गोप्रो जैसा मिलेगा। नॉर्मल प्राइमरी लेंस जो होता है उससे करोगे तो वाइड एंगल व्यू कम मिलेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वाइड एंगल कैमरा से करना, देखने में भी अच्छा लगता है। तो गाइस, अभी चलते हैं बाहर, बाइक को राइड करते हैं, आप लोगों को व्यू दिखाते हैं कैसा यहाँ पे मिलता है। तो पहन लेते हैं एंड निकलते हैं अपन राइड पे, चलो। हम लोग निकल पड़े हैं अपने राइड पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे व्यू कैसा है। और अभी ठंड का मौसम है ना, इसलिए थोड़ा सा ये जो है बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत हो रहा था, तो पावर नहीं मिल रहा लग रहा है, थोड़ा इंजन को गर्म होते रहते हैं। ओ भाई, थोड़ा इंजन को गर्म होने देते, उसके बाद तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बाइक जो परफॉर्म करेगा। और वैसे दिख ही रहा होगा आपको, और साउंड क्वालिटी मेरा कैसा आ रहा है वो बताना, और बाहर का साउंड जैसे बाइक का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों का वीडियो में पता चल जाएगा। चलो, और तेल भी नहीं है बाइक में भाई, देखो एक जो क्या बोलते हैं एक डंडा दिख रहा है वो भी रनिंग कर रहा है, कोई बात नहीं। ओ, वहाँ पर मैंने कल बाइक चलाया, इसको हम जीरो कर लेते ताकि पता चले हमने कितना किलोमीटर चलाया। चलो
कोई हेलमेट नहीं पहनता यहाँ। देखो एक बार, किसी को भी आप नहीं देखोगे हेलमेट पहनते हुए, क्योंकि यहाँ पर सबको ना मोटो व्लॉगिंग करना चाहिए। मोटो व्लॉगिंग करने के नाम से हेलमेट तो पहनना पड़ेगा। और गाइस, कैमरा एंगल को आपको अपने हिसाब से ठीक करना पड़ेगा। पहले ठीक करके लेना, उसके बाद देख लेना, एक दो बार चेक करके कैसा कैमरा एंगल आ रहा है, उसके बाद ही व्लॉग में निकलना। नहीं तो अगर पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करोगे उसके बाद देखना कैमरा एंगल एकदम नीचे हो गया या फिर कैमरा एंगल एकदम ऊपर हो गया, तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए पहले से चेक कर लेना। भाई मैं लेफ्ट साइड से क्यों जा रहा हूँ, मुझे तो राइट साइड जाना चाहिए। और भाई यहाँ पे जैम देखेगा भाई, मुझे नहीं जाना भाई, मैं यहीं से बैक कर लूँगा। रुको लेफ्ट साइड जाकर देखता हूँ, लेफ्ट साइड मुझे पता नहीं कैसा रास्ता है या नहीं है, लेकिन फिर मैं आ रहा हूँ। चलो देख लेते क्या है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कैमरा एंगल कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने चेक किया थोड़ा सा, वीडियो तो सही आ रहा है, लेकिन जो है प्रॉब्लम आया ऑडियो के साथ, ऑडियो यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है। 70 रुपये के हेडफोन से क्या ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नॉइस कैंसिलेशन नहीं है इसमें। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई किया इसको ठीक ठाक एंगल पे रखने का, माइक को एकदम मुंह के सामने रखा हुआ, अभी जो है ठीक ठाक ऑडियो आप लोग आ रहा होगा, लेकिन जब भी बाइक चल रहा है तब ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ऑडियो आप लोग देख लेना अपना, ऑडियो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, कोई अच्छा माइक यूज़ करना हेडफोन का। तो चलो, अभी तो पेट्रोल यहाँ पे देख सकते ब्लिंक कर रहे हैं, क्या ही बोलूँ। चलो इस रास्ते पे आपको घुमा के लाता हूँ, ये रास्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये रास्ता। देखो भाई, देख भाई ये रास्ता भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा रास्ता है, यहाँ पे दोनों तरफ से एकदम पेड़, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये रास्ता। यहाँ पर सीखा तो मैंने डाउन कर लिया, और पता नहीं साउंड कैसा आ रहा होगा, आई थिंक साउंड सही नहीं आया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, साउंड का बहुत ज़्यादा ट्राई किया। वीडियो आप लोग देखो कैसा यहाँ पे आ रहा है, वीडियो का एंजॉय लो। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, तो इसलिए अमेज़न से जाके खरीद लेना। इस प्रोडक्ट का रिव्यू यहीं पे खत्म होता है, वीडियो भी यहीं पे होता है खत्म। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।